अब मकई के वड़े के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मकई का आटा लिया है। ये आपको कहीं पे भी इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अब आधा कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। आधा चम्मच अजवाइन दोनों हाथों से घिस के हमें यहाँ पे डाल देनी है। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च, 2 मिर्च सबकी पेस्ट मैंने रेडी बना के रखी है। और यहाँ पे ये ही जो मेरे हाथ में है वही कटोरी के माप से मैंने गुड़ डाला हुआ है, 1 कटोरी गुड़। और वो सब मैंने मिक्सी में क्रश कर लेके इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने धुली हुई मेथी थोड़ी सी यहाँ पे डाल देनी है, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और हाँ, आपको अगर गुड़ की जगह पे आपको चीनी यूज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। अब सब चीजों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप खट्टा वाला दही ले लिया है। उससे हमें पहले आटा गूंदना है, सो मैं यहाँ पे पहले उसका ही यूज कर रही हूँ। बाकी का दही भी मैंने डाल दिया है, उससे भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। सेम 1/2 कप मैंने यूज किया है पानी के लिए, यही 1/2 कप से मैंने पानी डाला है। सो इसमें 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी मुझे लगा है। हर तरह के आटे अलग अलग होते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी अलग होती है, तो आप देख लो आटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सो अगर आपको ज़्यादा थोड़ा पानी चाहिए तो आप थोड़ा पानी और डाल के आप बिल्कुल इस तरह का आटा गूंथ लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें पेड़े की साइज़ का एक ऐसे पेड़ा बनाना है, छोटी साइज़ का। हमें सेम एक ही साइज के छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना लेने हैं। पहले यहाँ पे मैंने चकला बेलन का जो आता है वो ले लिया है। यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा, पहले से ही पानी वाला थोड़ा गीला कपड़ा रखा हुआ है, साफ गीला कपड़ा रख देना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने जो पेड़े बनाए हैं वो ले लेने हैं और इसके ऊपर हमें रख देने हैं। अब 1 कटोरी में पानी लेना है, उसमें हमें हाथ की उंगलियाँ डुबो के इसको अच्छे से प्रेस करना है। इस पर ज़्यादा वेट नहीं देना है और इसको बहुत पतला भी नहीं करना है, इसको मीडियम रखना है। और इसके ऊपर वही गीले हाथ वाली उंगलियों से हमें तिल इसे हाथ में लेके इसमें लगा देने हैं, जिससे क्या है कि तिल अच्छे से इसमें चिपक जाएंगे और तलने के टाइम ये फ्राई जब हम करेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। सो इसी तरह से हम सब रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो सब हम वड़े इसमें डाल देंगे। एक के बाद एक सब वड़े हमें इसमें डाल देने हैं। और फिर हमें अभी थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन हो तब तक इसको हमें नहीं हिलाना है। अभी इसको हमें हल्के ब्राउन होने देने, फिर इसकी साइड हमें चेंज कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने फूल गए हैं, ये बिना सोडा के भी ये अच्छे से फूल जाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको अच्छी तरह से हमें ब्राउन कलर का कर लेना है, लाइट ब्राउन। अब हमारे वड़े तल के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सो अब हम इसको एक प्लेट में इस वड़ों को निकाल लेंगे। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले भी सारे के सारे ऐसे फ्राई कर लेने हैं। वो भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं, जिससे वो एकदम क्रिस्पी हो और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब ये भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है, ये भी गोल्डन ब्राउन ही हो गए हैं। अब इसको हम वापस से प्लेट में निकाल लेंगे। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। और ये वड़े आप बच्चों को टिफिन वगैरह में या तो स्नैक्स में वगैरह में दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।